गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा और आज अपने बात करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी का ग्रीन स्किल्स के अंदर क्या रोल है। ठीक है, ग्रीन स्किल जो अपने चल रही थी उसका लास्ट पार्ट आज अपने कर रहे हैं, सेशन है इसका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ सेशन है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी। तो अपने को यही देखना है कि गवर्नमेंट हैं और प्राइवेट एजेंसी हैं किस तरह से वो ग्रीन स्किल्स में, ग्रीन जो इकोनॉमी है उसमें अपना योगदान दे सकती हैं। एज़ वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेसन, ये पुराने लेसन में जो किया है वो छोड़ो। ठीक है, लेट्स लर्न मोर अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एजेंसी इन द वेरियस सेक्टर इन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, कंस्ट्रक्शन है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर है, इनका क्या क्या रोल है। तो गवर्नमेंट की बात करें सबसे पहले, तो गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी मेक इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉ, उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लॉज बनाने चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्री, और अदर कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट करना चाहिए। जैसे पेरिस समिट के अंदर हुआ था, अपने एग्रीमेंट की हुआ है कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो डेवलप हो चुकी हैं, वो डेवलपिंग कंट्री को क्या देंगे, पैसा देंगे, ताकि वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सभी मिनिस्टर को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सभी अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो मेजर जो रोल है वो सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है, एग्रीकल्चर का है, वाटर रिसोर्सेज का है, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट का रोल क्या है, द गवर्नमेंट मार्किंग मेक पॉलिसीज एंड प्रोवाइड फंड फॉर इम्प्लीमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, फंड प्रोवाइड कराना चाहिए प्लान्स और पॉलिसी के लिए। लेजिस्लेशन सच एज द एनवायरनमेंट एक्ट 1986 जो बना टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट लॉ ब्रेकर। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट एक्ट के जो लॉज वगैरह तोड़ता है उन्हें सजा देनी चाहिए। इट सेट अप मिशन सच एज द ग्रीन इंडिया मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन टू एक्ट एंड ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन अपने चल ही रहा है इंडिया के अंदर, ग्रीन इंडिया मिशन भी चल रहा है। ठीक है, तो इनको और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। सोलर मिशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पंप पर क्या है, सोलर पैनल पर सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, इट्स वर्क विद साइंटिस्ट एंड रिड्यू एजुकेट द पब्लिक ऑन एनवायरमेंटली सेफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, केमिकल फ्री फार्मिंग होनी चाहिए, ऐसी बातें बोली गई। प्राइवेट एजेंसी का क्या क्या रोल है, द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मेक द ग्रीन इकोनॉमी सक्सेसफुल इन ए लार्ज और डाइवर्स कंट्री। हमारी इतनी बड़ी कंट्री है कि अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट प्लेयर्स को भी साथ में आना पड़ेगा। प्राइवेट एजेंसी, नॉन गवर्नमेंट और एजेंसीज हैं, एनजीओ जिसको बोलते हैं, सोशल वर्कर हैं, प्राइवेट कंपनी हैं, इंडिविजुअल सिटीजन हैं, नीड टू वर्क टुगेदर विद द गवर्नमेंट फॉर अ सक्सेस ऑफ प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एनजीओ हैं और इंडिविजुअल पीपल हैं, उन सबको उसे एक साथ आना पड़ेगा कि ताकि अपने ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर पाएँ। रोल क्या है प्राइवेट एजेंसी का, क्या क्या रोल है, द रोल ऑफ प्राइवेट एजेंसी इंक्लूड फॉलोइंग लॉज एंड पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उनका रोल ये है कि वो लॉज और जो पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट की उनके साथ इंक्लूड हों, मेकिंग श्योर गवर्नमेंट पॉलिसी आर बिंग फॉलो, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट मिशन। ठीक है, गवर्नमेंट मिशन के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, रिपोर्टिंग पीपल और ग्रुप हु ब्रेक द लॉ, जो भी लॉ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उनकी रिपोर्ट की जाए, एजुकेटिंग पीपल एंड के क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ग्रीन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जो भी एजुकेटिंग पीपल हैं उन्हें क्या अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए ग्रीन इकोनॉमी के लिए। एग्जांपल के तौर पर मान लो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो, बाज़ार के अंदर जब सब्जी लेने जाओ तो एक थैला साथ में ले दो। ठीक है, मान लो आप दो तीन सब्जियां लेते हो, दो तीन लिफाफे जो हैं आप ले लेते हो और वो फिर डीकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो अगर आप दो तीन लिफाफे नहीं लोगे तो पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, घर से थैला लेकर जाता है और थैले के अंदर सारी सब्जियां लाता है, वो लिफाफे वगैरह ख़राब नहीं करेगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एंड हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंट ग्रीन पॉलिसीज। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए गवर्नमेंट को और एंड द हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंट ग्रीन पॉलिसीज, जो हेल्प करे ग्रीन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिले गवर्नमेंट को। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या ग्रीन प्रोजेक्ट के एग्जांपल हैं, तो दो तीन एग्जांपल हैं, एक तो स्वच्छ कॉरपोरेटिव्स हैं, इनके इंटीग्रेटेड
इनफॉर्मल वेस्ट पिकर इनटू पुणे सिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है ये विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द वेस्ट पिकर्स के द्वारा। ओवर 9,000 एंटरप्रेन्योरियल वेस्ट पिकर है नाउ वर्क द डिग्निटी एंड प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, 9,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं। दे इंश्योर एफिशियंस डिस्पोजल ऑफ वेट वेस्ट थ्रू बायोगैस जनरेशन अलोंग द रिसाइकिल ऑफ सोलो वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या अगर क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को पिक्स करते हैं और उसे क्या बायोगैस बनाने के यूज़ करते हैं, रिसाइकिलिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। डीप मॉडर्न चूल्हा सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोडक्शन है, डीप जिसको बोलते हैं, डेवलप द मॉडर्न डीप चूल्हा, ये मॉडर्न डीप चूल्हा बनाया जो कि बायोमास से बनता है, बायोमास टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ वुड 50%, जिससे क्या 50% कम लकड़ी खर्च होती है। दिस चूल्हा रिड्यूस स्मोक 80%, ये धुआं कम करता है जो कि अपने इन्वायरमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम को भी कम कर देगा। तो इसके लिए काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी भी है। ये स्टार्ट किया है 35,000 हाउस होल्ड से और सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। लास्ट आए इन बायो टॉयलेट ग्रीन सॉल्यूशन फाउंडेशन है, ठीक है, इन्होंने क्रिएट किया एक बायो टॉयलेट को, हाइजीन सैनिटाइजेशन विलेजेस के अंदर, हाइजीन सैनिटाइजेशन विलेजेस और स्लम सिटीज़ के अंदर क्या है ये अपने इनको लगाया जाता है। यूज़र टू डोनर फंड दे बायो टॉयलेट वाइल GSF प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड टॉयलेट यूड एंड सर्विसिंग इन्वॉल्विंग द लोकल पॉपुलेशन, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी है, ठीक है। कुछ बेनिफिट क्या क्या है, ग्रीन बेनिफिट क्या क्या है, वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू लेस फ्लशिंग, ठीक है, वाटर का कंजर्वेशन, पानी की बचत होती है। एफिशिएंट सीवेज सिस्टम होता है, एफिशिएंट इसका सीवेज सिस्टम है। डिक्रीज इन सोयल एंड वाटर कंटेमिनेशन, सोयल और वाटर कंटेमिनेट नहीं होगी। डिक्रीज इन डिजीज ड्यू टू हाइजीनिक सैनिटाइजेशन रहेगा। 130 ग्रीन जॉब्स पर 1000 टॉयलेट, ठीक है, 1000 टॉयलेट पर 130 जॉब्स जो है वो डिस्कवर होती हैं, वो बनती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज अपनी जो लास्ट यूनिट थी ग्रीन स्किल्स की, ठीक है, ग्रीन स्किल्स की जो अपनी लास्ट यूनिट थी वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब अपने क्या करेंगे, अपना स्पाइरल भी कंप्लीट हो गया, स्किल्स कंप्लीट हो गई हैं, अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, अपने इनके करेंगे क्वेश्चन आंसर पाँचों यूनिट के जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको अपने वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। देखो जनरली होगा क्या, तुम्हारी इस यूनिट में से वन मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी इन सारी यूनिट में 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके सैम्पल पेपर में हैं या एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसको मैं डिस्कस करवाऊंगा सारों को, ये यूनिट को डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट अपने फिर स्पाइरल पर आएंगे और स्पाइरल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको अपने सारे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सिलेबस हमारा फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अपने डिस्कस करेंगे। और जैसे ही स्कूल लगता है, जैसे ही स्कूल लगेगा अपने प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी अपने सारे प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स मैंने ग्रुप में भेज दी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आप कंप्लीट करके रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल आप कंप्लीट रखना और जब भी स्कूल लगेंगे आपको प्रैक्टिकल करवा दिए जाएंगे, सिलेबस अपना कंप्लीट है और डिस्कशन इस पर चलता रहेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो वो भी बता देना, वो प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, कोई जो भी उसका सोल्यूशन हो सका वो सोल्यूशन ज़रूर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप जितनी भी आपको स्किल्स अभी कराई हैं वो सारी आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कल से अपने रिवीजन शुरू है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।